ના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ ને ધમકી મળી છે। મુંબઈ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ માં ધમકી ભર્યો મેસેજ આવ્યો છે। 10 દિવસ માં રાજીનામું આપી દેવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને આ ધમકી મળી છે અને સાથે જ મુંબઈ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ માં મેસેજ આવ્યો હતો। જો કે હાલ તો પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે કે આખરે કોણે આવો મેસેજ કર્યો છે, કોણે ધમકી આપી છે। રાજીનામું ન આપ્યું તો બાબા સિદ્દકી જેવી હાલત થશે। ગત રાત્રે મુંબઈ પોલીસે धमकी भर्यो मैसेज आव्यो। धमकी आपनार तोफानी तत्वो होवानो यूपी डीजीपी नो दावो छे। तोफानी तत्वोए आ प्रकारनो मैसेज कर्यो होई शके छे। हाल तो यूपी पोलीस पण तपासमां लागी छे अने तपास करी रही छे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा अभेद है। जेड प्लस सुरक्षा घेरे में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर होती है। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा में कोबरा कमांडो भी तैनात रहते हैं। इन कमांडो के पास बाकायदा बहुत हाईटेक हथियार मौजूद रहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चूंकि एनएसजी की सुरक्षा कवर जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है और यही वजह है कि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली हुई है। और आपको बता दें कि लगातार चूंकि 2023 तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाते हुए यूपी एटीएस ने कई गिरफ्तारी की हैं, कई स्लीपर मॉड्यूल्स का खुलासा किया है और इसी बात को लेते हुए हमेशा यूपी की सुरक्षा एजेंसियाँ सीएम की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा नए जो चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो करती हुई नजर आती हैं। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा घेरे में जहां ड्रोन कैमरे होते हैं वहीं पर बॉडी वार्म कैमरे भी मौजूद होते हैं और उनकी जो गाड़ी है वो भी ब्लूटूथ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो सुरक्षा चक्र है वो पूरी तरह से अभेद है और उस पर फिलहाल कोई खतरा ना हो इसको लेकर हमेशा जांच एजेंसियां अपने इनपुट्स के आधार पर अब समय समय पर बदलाव भी करती रहती हैं। कैमरामैन विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।